ये गलियां इतनी अच्छी लगती है ना मुझे, ऐसे एकदम एस्थेटिक वाइब्स आती हैं, मेज की तरह हैं गलियां। हाँ, मेजॉरिटी। तो हम बेसिकली आंटी के घर जा रहे हैं, जो आंटी हमारे घर काम करती हैं उनके गणपति के यहाँ। तो ये एकदम ऐसे रियल मुंबई वाली फील दे रहा है मुझे, मतलब चॉल्स में हम जा रहे हैं ऐसा लग रहा है, गलियाँ एकदम ऊपर नीचे, बिल्कुल जो रियल गणपति सेलिब्रेशन है वो यही है। अच्छा, ये मेरे दादा और भाभी आरती कर रहे हैं। गणपति बाप्पा मोरया। तो ये ओरिजिनल मोदक होते हैं जो कि चावल के आटों से और ड्राई फ्रूट से बनते हैं। अच्छा, डेफिनेटली ये बहुत ही सेवरी और टेस्टी है। बोलते हैं अपना तरीका से ही बना दो, तो बना लेती थी। अच्छा, ये बाउंड्री से लगा हुआ मंदिर है, जो अंदर का गेट है, ऊपर का उधर अंदर अंदर वो मंदिर नहीं है क्या, आगे अंदर विकास का बर्थडे, तो किसका बर्थडे था? विकास का अपने नाम है। बारिश हो रही है, इतना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे हर घर में है गणपति, मतलब मोस्टली सारे घरों में ही है। अगर आप ऐसे इधर उधर देखोगे तो गणपति है। तेज बारिश हो रही है, बच्चे बच्चे डांस कर रहे हैं, एकदम मस्त वाइब है, बहुत मज़ा आ रहा है। ये लोग डांस कर रहे हैं, इनका डांस देखने का बहुत मज़ा आ रहा है। तो मैं अभी अपने ऑफिस से जा रहा हूँ कुछ रिकॉर्ड करने, सबसे पुराने मोदक वाले अंकल के पास। तो आज से
सिर्फ सर ये आपके लिए सिर्फ, भैया फ्री मोदक दे रहे हो ना, तो कौन सा दोगे? मलाई मोदक आपने बोला सबसे अच्छा है, तो आधा मलाई मोदक और ये येलो वाला, दोनों का एक डिब्बा बना दो। आसिफ सर टास्क पूरा है। स्पाइडरमैन एक बात बताओ, तुमने सुपरमैन का वो क्यों पहना है पीछे? नहीं, मैं स्पेशल वाला स्पाइडर। अच्छा हाँ, वैसे तो मैं